हाँ। ये तो सच्चाई निकल रही है। तो भाई गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 11 और निकल रहे हैं गिरजा माता के लिए। तो जय माता दी। और अभी दो भाई का इंतजार कर रहे हैं, पीछे रह गए हैं, तो चलते हैं यार। लेट हो गए, थोड़ा तेज चलेंगे गाड़ी से, तो वहीं जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। फिलहाल अभी टोल पे हैं और वेट कर रहे हैं उन लोगों का। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया यार, क्या बोले। ब्लॉग में जुड़े रहो, बहुत मजा आने वाला है। और नहाएंगे भी वहाँ जाके। देख लो भाई, जिनका इंतजार था वो आ गए, वो गाड़ी आ गई। गाइस, जी को आराम देने के लिए थोड़ा ब्रेक लिया है, और अभी गाड़ी से उतरे ना, जो जी वाइब्रेट कर रही थी, मजा आ गया। तो आपका क्या कहना? जी वाइब्रेट कर रही थी, मजा आ गया। अब व्यू चेक करो, एक नंबर। इस व्यू पे गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है। अंकल जी कितने मस्त से जा रहे हैं कच्चे में। अरे शॉर्ट्स में आते भाई, खुली हवा जाती अंदर। पिछली हो रही है सर, पिछली हो रही है सर, तेल डाल के आया, बल्कि बस बाल कटा दिए। यहाँ तो कोई हेलीकॉप्टर नहीं आएगा तुम्हें निकालने के लिए। नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ जाता है, बीच में फंसे रह जाओगे टापू में। चारों के चारों लड़के वहाँ से पार हो गए। जूते नहीं रखे, जूते नहीं रखेगा। ये ना हर दर्द, मतलब जहाँ कहीं दर्शन करने जाओ सोता रहता है, नींद में दर्शन करता है इसका ध्यान। ये इसकी मतलब दिल और आत्मा यहाँ होती है, लेकिन शरीर यहाँ होता है, आत्मा कहीं और होती है। जय माता दी, जय माता। काम से तो अपने नैनीताल निकल सकते हैं। चले। साथ वाले को भूल गए लाइन पानी में। भाई तेरे में किस चीज से अकड़, मेरे को ये बता। कोई भगवान का नाम बोलना और कभी नहीं बोलता, झूठ बोल रहे। अगर हम लोग सहारे की जय, हम जब कहेंगे बोलते फिर हम कहेंगे बोल, जय। प्लान बनाने वाला खाली कौन है? सिर्फ मैं। और कैंसिल करने वाला 1, 2, 3। मैं बता रहा हूँ, ये कह रहा कि बारिश हो रही है, कहाँ जाओगे? सही है, ये कह रहा कि घर वाले मना कर रहे हैं। भाई तुझे पापा ने जबरदस्ती भेजा था। मैं बता रहा हूँ कह रहा घर वाले मना कर रहे हैं, गाँव में पापा ने जबरदस्ती भेजे, पापा कह रहे मतलब मना कर रहे थे। और इसका अलग ही सीन है, ये इसे कॉल करी, मैं नींद में कॉल करी, इसे चल रहे हैं, तो क्या बारिश हो रही है यार। भाई इसका तो बोल रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, बाद में। हमें इसने सारे जितने प्लान कैंसिल हुए इसी ने कराए। भाई यार आज जबरदस्ती आया हूं, जितने प्लान कैंसिल कराने सही में कैंची धाम का सब का इसी ने प्लान कैंसिल कराए काम। भाई ये है गांव के, देख लो देसी गांव वाले। हां अब से मैं बिल्कुल नहीं बैठा, ये है प्योर दूध पीने वाले भाई, आते ही बैठ गए। बैठने का क्या है, बैठ नहीं जाता है, कौन सा ऐसा इंसान खड़ा रहता है? मैं आऊंगा वहां तक, पहली बैठ के आ गया तू। हाँ कहाँ बैठ के आ गया भाई, शुरू में तो बैठा ही था, हाथ मुंह धुला था, दो पांच मिनट चला, फिर बैठ के गया था, हाथ मुंह धुला था, थकान सब दूर। बुढ़ापा करीब है। हाँ हर बुढ़ापा है। बताओ कैसे हो? हम बढ़िया है, बताओ तुम्हें लग रहा है वहाँ बच्चे? अरे है यार वो उस साइड है, नहीं बोला ना तूने भी नहीं बोला। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अंकल जी बोले, अंकल जी बोले, जय माता दी। आंटी बोले, जय माता दी। विकास बोले, विकास बोले। बता रहा है उनके पति गाइड, वो अंकल ये बोले थे कि जब यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना होता है, और उन्हें प्रसाद चढ़ा लिया, और प्रसाद चढ़ा देख के चल रहा हूँ मैं, अभी कैमरे में नहीं देखूंगा। फुल मजा आ रहा है भाई। हाँ ना, एक बार दर्शन करने देख लिया मैंने, केक पड़ा। हाँ भाभी कहाँ गई? भाभी देखो भाई, हमारी भाभी जो है वो छाई में रुक गई, अभी दिखाता हूँ भाभी। गर्जिया माता के दर्शन करने के बाद मतलब यहाँ भी आ जा रहा है, तो दर्शन मतलब अधूरे नहीं माने जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। भाभी हमारी छाई में खड़ी है, ऐसे ही पानी होगा इधर वाला, बर्फ है बिल्कुल पानी। भाई माता रानी के दर्शन करने के बाद इधर से हम लोग क्रॉस कर लिया और इधर आ गए, और शिव भगवान और भैरव बाबा का मंदिर इधर इधर, तो ये दोनों मतलब दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारे दर्शन पूरे माने जाएंगे। मैया के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूरी होते हैं। हाँ वैष्णो देवी मम्मी है। हाँ भैरव बाबा हैं तो दर्शन जरूरी। ये भाई प्राचीन भैरव बाबा का मंदिर। गाइस सब नंगे हो गए, अब चल रहे हैं पानी में नहाने।
मजा आने वाला है फुल, तो वीडियो में जुड़े रहो। देख लो अब नंगे होके खाने चलना है, ये साला नंगा है। हाँ, ये नंगा आदमी नंगा होके ही खाते हैं। ओए है यार यार से यहाँ पे रुका गया है अपने अपने बाबू के सामान लेने के लिए, गिफ्ट किया जाएगा जिससे बाबू खुश हो जाएगा और फिर भी छोड़ के जाएगा। अच्छा यार अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो खुद बताओ, ये सब लेडीज सामान रखा है तो लड़कों का काम क्या है यहाँ? अब देखो पूछा जा रहा है कि बाबू क्या लोगे तुम्हारे लिए, मतलब सरप्राइज ला रहा हूँ तो तुम्हें क्या कौन सा कलर पसंद है? ये कड़ा मेरे पास है, मेरा रहेगा। कौन सा कड़ा भाई? आजकल लड़के पहनने ये वाला कड़ा, ये लड़का पर तू पहनेगा बता, चल ये पहनेगा तो इसे दे, पहनेगा तो बता, मैं अभी दे दूंगा, छोटे भाई को दे देंगे। पता है भाई मुझे पता था तुझ पे शक था पहले से, अब कंफर्म हो गया। दो रुपए दे, कितने हो गए? तू मदद कर रहा है इसको लड़की बनने में, देख। एक सेकंड, वो तेरा वाला है बाबू। फाइनली भाई नहा लिए, गिरजिया माता के दर्शन भी कर लिए, मैगी भी खा लिए, नहा भी लिए, अब चल रहे हनुमान धाम के लिए। तो गाड़ी भी हेलमेट वेलमेट उठा लिए और बाबू के लिए तो ले लिया है सामान, दो चारों लोगों ने, मतलब तीनों लोगों ने, सॉरी चारों निकल, ये तो सच्चाई निकल रही है, यह सच्चाई निकल रही है। चलो फिलहाल हनुमान धाम चल रहे हैं।